सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरी किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पालक सूप बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। क्रीमी स्पिनच पालक सूप बनाएंगे हम, बहुत ही यम्मी बनता है। पालक है तो हेल्दी भी बहुत है। इसको अगर हम रात में डिनर में ले लेंगे तो हमें किसी भी और चीज की जरूरत नहीं। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बनाने के लिए ये मैंने एक चम्मच बटर का पैन में ऐड किया। इसमें ये मैंने दरदरी सी ये करके रखी हैं लहसुन की चार कलियां, वो ऐड कर दी। बटर में इसको हल्का सा कुक करेंगे। छोटी सी स्टिक दालचीनी की ऐड कर देंगे जिससे कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये लहसुन हल्का सा कुक हो गया तो इसमें मैं एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दूंगी। इसको कुक होने देंगे। ये एक गिलास दूध है मेरे पास, धीरे धीरे इसमें मैं ये ऐड करूंगी। थोड़ा सा बचा लिया मैंने बाद में ऐड करने के लिए। एक इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे पालक की पत्तियां। बॉयल आ गया, धीरे धीरे ये जो बचा हुआ दूध है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इस दालचीनी की स्टिक को इस टाइम पे हम निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें आ चुका होगा। अब हम इसमें ये 10 से 15 स्पिनच यानी पालक के पत्ते ऐड कर देंगे। इसको भी कुक होने देंगे थोड़ा सा दूध में। हम ये 3-4 मिनट हो गए हैं पालक के पत्तों को इसमें कुक होते हुए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में अच्छे से मैश करेंगे। पैन में आधा छोटा चम्मच जितना मैंने बटर ऐड किया, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया। नमक फ्रेंड्स आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से डाल सकते हैं, पालक में भी नमक होता है तो मैंने कम ही ऐड किया है। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्ची ऐड की है। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। अब ये जो हमने पालक और दूध से बने मिक्सचर को, इसको हम छान लेंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया, बस ये गाढ़ा हो चुका है और सूप भी बनकर बिल्कुल हमारा रेडी है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। हेल्दी यमी क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। इसको आप डिनर में लेंगे तो आपको कुछ भी और खाने की जरूरत नहीं। ट्राई कीजिए, जरूर से आपको बहुत ही पसंद आएगा ये सूप। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।